सब्सक्राइब कीजिए हमारे ट्विन टर्बो यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। होंडाई ग्रैंड i10 पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स। होंडाई ग्रैंड i10 जो कि हैचबैक गाड़ियों में काफी खूबसूरत गाड़ी है, जो कि इंडिया में सेवेंथ बेस्ट सेलिंग कार है, उसमें क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या बुराई है, अगर आप गाड़ी को खरीदने के लिए सोच रहे हैं या आपकी पसंद होंडाई ग्रैंड i10 है तो क्या है उसमें अच्छाई है, क्या है बुराई है, आपके लिए गाड़ी सही रहेगा या गलत, चलिए इस वीडियो में डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रश्मिकांत, आप लोग देख रहे हैं ट्विटर पर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। होंडाई ग्रैंड i10 जो कि दिखने में काफी खूबसूरत है, खास करके देखा जाए तो गाड़ी के साइड प्रोफाइल और रेयर प्रोफाइल को देखा जाए तो काफी काफी खूबसूरत लगता है। एक स्मॉल यानी कि हैचबैक गाड़ी में ये गाड़ी काफी खूबसूरत, मुझे पर्सनली बहुत ही खूबसूरत लगता है। आगे में इसे देखा जाए थोड़ा सा डल फील होता है, लेकिन साइड की प्रोफाइल और पीछे से गाड़ी गजब लगती है और इंटीरियर भी काफी खूबसूरत है और इंटीरियर की बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छा है। तो चलिए बात करते हैं गाड़ी में आपको क्या डायमेंशन मिलता है। गाड़ी में आपको मिलता है लेंथ 3765 mm का और विड्थ मिलता है 1520 का और आपको व्हील बेस मिलता है 2425 mm का व्हील बेस आपको मिल जाता है और गाड़ी में आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाता है। गाड़ी में आपको 14 इंच का एलोई व्हील्स भी मिल जाता है टॉप मॉडल में। हालांकि एलोई व्हील्स आपको डायमंड कट एलोई व्हील्स जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपको टॉप एंड वेरिएंट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पे ही मिलता है। तो चलिए गाड़ी के इंजन और पावर्स के बारे में भी थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। गाड़ी के इंजन आपको मिलते हैं पेट्रोल वेरिएंट में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि 81 bhp के साथ 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क रिड्यूस करता है, जो कि आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से भी मिल जाता है। और डीजल वेरिएंट में वही 1.2 लीटर डीजल इंजन जो कि 74 bhp के साथ 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है, जो कि आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में अवेलेबल है। और गाड़ी के माइलेज की बात करें तो गाड़ी के माइलेज उतना अच्छा नहीं है, ये उतना बुरा भी नहीं है। पेट्रोल में आपको 19.77 kmpl माइलेज मिल जाता है जो कि कंपनी आपको क्लेम करता है और डीजल वेरिएंट में 24.4 kmpl का माइलेज आपको मिल जाता है। प्राइस रेंज देखा जाए तो गाड़ी के प्राइस रेंज थोड़ी सी हाई है। गाड़ी की प्राइस रेंज आपको 4.61 लाख रुपए से शुरू होकर 7.4 लाख रुपए तक एक शोरूम डेली के प्राइस में आपको गाड़ी अवेलेबल रहता है। तो चलिए जानकारी लेते हैं एक्चुअल में गाड़ी में पॉजिटिव्स क्या है और नेगेटिव्स क्या है। कंपेयर किया जाए तो इस सेगमेंट में जितना सारा गाड़ियां हैं उनके साथ कंपेयर किया जाए तो देखा जाए तो गाड़ी में काफी सारा अच्छाई भी है, काफी सारा बुराई भी है। पहले बात करते हैं अच्छाई के बारे में यानी कि पॉजिटिव पॉइंट्स। गाड़ी के पॉजिटिव पॉइंट्स जो है, पहला पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको पहले बोल दिया हूँ जो कि गाड़ी का लुक्स। गाड़ी साइड से देखे या पीछे से देखे गाड़ी का लुक्स काफी गजब से दिखता है और इस वेरिएंट में आपको एलईडी डीआरएल के साथ भी, हालांकि एलईडी डीआरएल उतना अच्छा नहीं लगता है गाड़ी को, फिर भी एलईडी डीआरएल गाड़ी में मिलता है। और गाड़ी में आपको 5 to 7 inch का डस्क इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो कि काफी अच्छा है और गाड़ी का इंटीरियर क्वालिटी भी काफी अच्छा है और इंटीरियर लुक्स और गाड़ी के इंटीरियर बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छा दिया गया। प्लास्टिक क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, काफी फिट एंड फिनिश दिया गया है जो कि गाड़ी को काफी अच्छा फील देता है, प्रीमियम गाड़ी में बैठने की तरह लगता है, लगता है कि हम किसी 6 से 8 lakh की गाड़ी में बैठे हैं। और गाड़ी में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, आपको रेयर एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं जो कि इस सेगमेंट में आपको कोई गाड़ी में नहीं मिलता है। गाड़ी में आपको पुश स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, कूल्ड ग्लोव बॉक्स और इंटरनल हार्ड ड्राइव भी मिल जाता है इंफोटेनमेंट सिस्टम में, जो कि कोई गाड़ी में इस सेगमेंट में कोई गाड़ी में नहीं मिलता है। तो ये था गाड़ी के पॉजिटिव पॉइंट्स। गाड़ी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, हालांकि मैं नेगेटिव पॉइंट्स को इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए इस सेगमेंट में जितना सारा गाड़ियां हैं उसके साथ कंपेयर किया जाए तो गाड़ी के नेगेटिव पॉइंट्स आपको उभर कर मिल जाएंगे। तो फिर भी देखते हैं क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो हालांकि देखें तो गाड़ी में ABS आपको टॉप मॉडल पे ही मिलते हैं, मतलब आपको
ग्राउंड मॉडल पे या आपको हर मॉडल पे ABS नहीं मिलता है। गाड़ी में ये थोड़ा इस सेगमेंट में जितना सारा गाड़ियां हैं उसके साथ अगर कंपेयर किया जाए गाड़ी में आपको सेफ्टी फीचर्स कम सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं जो कि ज़्यादा सभी गाड़ियों पे मिल जाते हैं। सेफ्टी फीचर्स आपको लो वेरिएंट से स्टार्ट हो जाते हैं लेकिन आपको यहाँ पे टॉप वेरिएंट में भी आपको हर सेफ्टी फीचर्स नहीं मिलता है। और एक गाड़ी के नेगेटिव पॉइंट है हालांकि गाड़ी का टर्निंग रेडियस है जो कि इस सेगमेंट में जितना सारा गाड़ियाँ हैं उससे कहीं ज़्यादा है जो कि 5.2 मीटर्स का टर्निंग रेडियस है। तो गाड़ी को मुड़ने में छोटे से गाड़ी होने के बाद भी गाड़ी को मुड़ने में आपको काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात गाड़ी की माइलेज में देखा जाए गाड़ी के डीजल इंजन आपको उतना अच्छा पावर नहीं देता लेकिन उस सेगमेंट में जितना सारा गाड़ी के डीजल इंजन है अच्छा खासा पावर दे देता है लेकिन एवरेज पावर होने के बाद भी ग्रैंड एंटेन में आपको 24.4 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है लेकिन हालांकि उसे कम कहा जाता माइलेज आपको मिलता है। तो देखा जाए तो आपको एक कम इंजन में आपको एक अच्छा माइलेज मिलना चाहिए लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए गाड़ी में पॉजिटिव पॉइंट्स काफ़ी सारा है। गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी वो काफ़ी अच्छा है मारुति सुजुकी आजकल गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी में कंप्रोमाइज कर रहे हैं लेकिन होंडा ही अभी तक नहीं किया है। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है गाड़ी में काफ़ी अच्छा सारा फीचर्स आपको मिल जाता है लेकिन पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है नेगेटिव पॉइंट्स थोड़े से ही है। आप चैनल में नेगेटिव पॉइंट्स को इग्नोर भी कर सकते हैं। इस गाड़ी के बारे में आपके क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे आपकी राय का इंतजार रहता है और अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैंने कोशिश किया है जो कि मैं जो जानकारी आपके साथ शेयर कर सकूं मैंने किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह मैं वीडियो बनाते रहता हूं। अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। थैंक यू। बाय बाय।